आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। मैनपुरी में एक कार्यक्रम में जब से अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर भाजपा चाहे तो चाचा को अपने पास ले ले, उनके इस बयान पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान है, नदानी का बयान है। समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जो जीते हैं उनमें से हम एक हैं, अगर भाजपा में भेजना है तो मुझको निकाल देना चाहिए। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होती थी तो संघर्ष करते थे, तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी, इसलिए मैंने ये बयान दिया। वही शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जब से कहा जा रहा है कि आजम सपा से नाराज चल रहे हैं, उनके अगले कदम को लेकर हलचल बढ़ गई है। अब इस बारे में शिवपाल कहते हैं कि आजम खान 10वीं बार के विधायक है, सबसे सीनियर विधायक है, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वही जब शिवपाल से उनके अगले कदम को लेकर सवाल पूछा गया तो वे कोई भी बयान देने से बचते नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब कोई बात होगी तो उचित समय होगा आप लोगों को अवगत करा देंगे। अब जानकारी के लिए बता दें कि अखिलेश यादव ने शिवपाल के बहाने बीजेपी पर तंज कसा था। उनकी तरफ से कहा गया था कि भाजपा अगर चाचा को लेना चाहती है तो ले ले, वैसे बीजेपी इतना खुश क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। शिवपाल यादव की नाराजगी की बात करें तो वे कई कारणों की वजह से सपा से दूर हो गए हैं। इसकी शुरुआत तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी। उस समय शिवपाल यादव अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कम से कम 100 सीटें चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही सीट देने का फैसला किया और वो भी सिर्फ शिवपाल यादव को जसवंत नगर से मिली। उस समय शिवपाल को चुनाव भी सपा की टिकट पर लड़ना पड़ा था। बाद में चुनाव में मिली हार के बाद उन्हें सहयोगी दलों की बैठक में नहीं बुलाया गया। ऐसे में उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उन्होंने सीएम योगी से भी मुलाकात की और बाद में आजम खान से भी जेल में मिलकर आए। अब उनका अगला कदम क्या रहने वाला है, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है।